हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं ये RRB NTPC का एपिसोड है 34वां। तो ये 34वां एपिसोड है, इसमें हम आपको क्षेत्रफल से संबंधित सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ये जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे और ये 2014, 17 और 18 के एग्जाम में पूछे गए, ज़्यादातर क्वेश्चन 2018 के मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें, ताकि आपको एक चीज़ पता चले कि भाई रेलवे के एग्ज़ाम में किस लेवल के मेंसुरेशन में क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए सबसे पहले आज का पहला सवाल, यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान है तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। कहता है कि वर्ग की भुजा और वृत्त के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, यही बात तो पूछा गया आपसे ना। सुनिए, सबसे पहले कहा किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान है। एक वर्ग का क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल आपस में क्या है, समान है। अब एक काम करते हैं, यहां पर ऐसा करें कि ए स्क्वायर अब बट्टा आर स्क्वायर लिख लें, बराबर पाई रहने देते हैं। पाई का मान होता है 22/7। अब देखो ए बट्टा आर, इन दोनों का एक ही जगह स्क्वायर करके इसको 22/7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, ए बट्टा आर क्या हो जाएगा जानते हैं, पूरे पर रूट, यानी 22 पर भी रूट और 7 पर भी रूट। अब देख लो, ए का मान हो गया √22, आर का मान हो गया √7। ए का मान हो गया है भैया, ए का मान हो गया √22 और आर का मान हो गया √7। ये 22/7 रूट में। अच्छा, एक आंसर यहां पर दिया हुआ है, कौन सा जानते हैं, ये वाला √π/1। ये भी हो सकता है, कैसे जानते हैं। अब देखो √π तो इसका मतलब ये 22/7 √1, तो एक जाकर उधर गुना हो सकता है, तो उधर जाके गुना हो जाएगा, ये पूरे पर रूट है ना, ये पूरे पर रूट, तो जब जाएगा तो ये देखो ये √22 ठीक है, और √7 उधर जाकर गुना होगा तो √7, ये 22। यानी ये सी और डी जो दिया गया है ना, ऐसे एग्जाम में नहीं दिया जाना चाहिए, इसका आंसर सी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिस्टेक से ऐसा दिया होगा। दूसरा सवाल कहता है एक सम चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% 25% अधिक की गई, इससे बनने वाले आयत के क्षेत्रफल सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल से अधिक होता है। एक सम चतुर्भुज था तो क्या किया गया ना कि लंबाई इतना चौड़ाई इतना बढ़ाया गया, तो अलग अलग हो गया। सम चतुर्भुज का मतलब था कि वो चारों भुजा बराबर रहता, लेकिन इसमें क्या हो गया है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग वृद्धि किया गया है, तो लंबाई कुछ हो गया होगा, चौड़ाई कुछ हो गया होगा, तब ये आयत बन गया है। अब कहता है इसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा, तो जब भी लगातार दो बार घटना घटता है तो ए बी फॉर्मूला लगाना है, और ए बी फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100, लगभग चैप्टर में इस फॉर्मूला का हमने चर्चा कर दिया है तो आपको पता होगा। सुनिएगा, 30 और बी के जगह रख देंगे 25, फिर प्लस 30 गुना 25 और बट्टा में कितना हमारा 100। अब सुनो तो 30 और 25 कितना हो जाता है बताओ, 55 और प्लस ये 0 0 काट दो, 25 3 75, ठीक है एक अंक बाद, ये हो गया 55 7 62.5%। 62.5% आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी में, ठीक है। आज ये अगला सवाल देख लेते हैं, 3 नंबर। कहता है कि एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है, यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले जिस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाइएगा और उस वृत्त की त्रिज्या बताइएगा, तो उस तार की लंबाई कितनी है यह तो पता कर लीजिए। कहता है कि 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग, यानी वो जो वर्ग है ना उसकी एक भुजा है 120 पाई, ठीक है। तो अब बताइए उस तार की लंबाई, तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, वो वर्ग का परिमाप, यानी 120 × 4। यदि उस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए, यानी सुनिए 4 × 120 कर देंगे, इतना पाई हो जाएगा, है ना, इस तार की लंबाई। अरे एक भुजा ना इतना है, चारों भुजा इतना हो जाएगा, चारों भुजा मिलाकर वही हो गया तार की लंबाई। और कहता है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अच्छा, तार बना, इस तार से क्या बनाना है जानते हैं, वृत्त। अब वृत्त का परिधि होता है 8 × 44/7, या यूं कहें ये लिख देते हैं, चाहे चलो ना आपके हिसाब से हम 2πr ही लिख देते हैं, ये हो गया वृत्त की परिधि।
परिधि का क्या मतलब हुआ जानते हैं? ये ही तार की लंबाई, ये तार ऐसे था, अब इसको ऐसे बना देना है, तार तो वही रहेगा, यानी तार कितना है, तार की लंबाई 4 × 120 पाई, तो पाई पाई आप काट सकते हो, 2 से इसको दो बार में काट सकते हो, आर का वैल्यू 12 × 24 यानी 240 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका आंसर कहाँ है, ऑप्शन सी में है। आइए जरा देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट चौथा, किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है जबकि उसका क्षेत्रफल 32 वर्ग सेंटीमीटर है, उस आयत की लंबाई चौड़ाई क्या है? एक बात बताइए, एक आयत का परिमाप 24 है, तो परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और वो दिया हुआ है 24, 2 से काट दे तो हो जाएगा कितना 12, यानी एल प्लस बी का मान हो गया 12, और क्षेत्रफल दिया है 32 वर्ग सेंटीमीटर, यानी L इंटू बी बराबर है ये 32 वर्ग सेंटीमीटर। सुनिएगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है भैया लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई 32, यानी ऐसा कौन दो संख्या है जिसको जोड़ने से 12 गुना करने से 32 हो जाएगा, ऐसा दो संख्या जो जोड़ने से 12 और गुना करने से 32, 84 हो जाएगा, तो 84 वाला जहां भी होगा हो जाएगा, 84 वाला कहां है, ऑप्शन डी में, 4 8 8 4 वही बात हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं, लीजिए छठा, 30 मीटर गुने 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ है, एक आयता एक उत्तर से दक्षिण की ओर, दूसरा पूर्व से पश्चिम की ओर, वे दोनों एक दूसरे को पार्क के मध्य में काटते हैं, यदि बनाने में लागत है 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो तो मार्ग के निर्माण की कुल लागत गणना कीजिए, 30 मीटर × 22 मीटर का एक आयताकार पार्क है। अच्छा एक बात बताना, ये आयताकार पार्क 30 × 22 का है, ये 30 हो गया इधर से 22 हो गया, इसमें बीचों बीच दो रास्ते हैं फुटपाथ, एक रास्ता तो ये 2 मीटर वाला चौड़ा और एक रास्ता ये है 2 मीटर चौड़ा वाला, ठीक ना, यहाँ बीच में वर्ग बन गया है क्योंकि 2 मीटर इधर से रास्ता 2 मीटर इधर से रास्ता, तो ये 2 2 2 2 चारों भुजा इसका 2 2 एक वर्ग बन गया। इस रास्ते को 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से बनाने में कितना खर्चा आ रहा है ये पूछा जा रहा है, सिंपल है, मान लो इस रास्ते का लंबाई कितना हो जाएगा, चूंकि रास्ता का चौड़ाई तो 2 ही है, तो 2 गुना ये 30, ये 30 है, यहाँ से यहाँ 30 है, तो ये रास्ता लंबा 30 हो गया, तो 30 × 2 ये लंबा रास्ता, और ये वाला रास्ता चूंकि ये 22 है तो ये 22 मीटर जाएगा, तो 22 × 2 मीटर चौड़ा 2, इन दोनों को जोड़ देते हैं और घटा देंगे क्या ई वाला वर्ग, क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इस रास्ता को हम लिए तो ये वाला पार्ट आया ना, और जब ऐसे जाएंगे तब भी तो एक बार फिर पार्ट आया, तो इसको 2 × 2 को हम घटा देते हैं, एक बार घटा देना है, अब रास्ते का क्षेत्रफल हो गया हमारा, अब ये हुआ 30 × 60 और 22 × 44, इसमें से 2 × 4 घट गया, तो 40 और 60 हो गया 100, अब 100 वर्ग मीटर हो गया रास्ते का एरिया, 15 रुपये खर्चा, तो कुल खर्च कितना आ जाएगा जानते हैं, एक वर्ग मीटर का खर्चा है 15 रुपया, तो 100 वर्ग मीटर का खर्चा कितना, 15 से गुना 1500 रुपया आ जाएगा, और ये 1500 कहाँ मिल जाएगा हमको, ऑप्शन डी में मिल जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपको 2018 में ही पूछा गया है। आ जाइए अगला सवाल, समचतुर्भुज है, कहता है क्या, कहता है समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है, इसका एक कर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, प्रत्येक भुजा का माप 20 है, एक समचतुर्भुज है, चलिए प्रत्येक भुजा इसका कितना कितना 20 है, प्रत्येक भुजा है भैया 20, तथा इसका एक कर्ण विकर्ण है ये 24 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक विकर्ण है भैया इसका 24, एक विकर्ण 24 है, अच्छा कोई भी एक विकर्ण, एक विकर्ण जब भी होगा तो एक विकर्ण इसको दो बराबर भाग में बांट देता है, तो कोई भी एक त्रिभुज का एरिया आप निकाल लो और एक त्रिभुज के एरिया को दुगुना कर दोगे तो पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो एक त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया कैसे निकालिएगा, तो इसका एरिया हम निकालेंगे पहले तो अर्धपरिमाप, तो अर्धपरिमाप 20 + 20 + 24 अबट्टा 2 कर देंगे, 10 10 20 12 हो गया कितना 32, सब काट उठ के 32 हो गया। अब आप फार्मूला लगा दोगे क्षेत्रफल के लिए, क्या फार्मूला लगा दोगे, इस त्रिभुज का एक त्रिभुज का एरिया केवल हम अगर निकाल दें, मान लो ए बी सी डी है,
तो ए डी सी यानी त्रिभुज ए डी सी हम पता कर दें तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या एस माइनस सी लगा सकते हैं। अब आ जाइए तो ज़रा यहाँ आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर हम कर सकते हैं एस के जगह क्या लिख देंगे 32, फिर 32 में से एक घटा देंगे 20 तो 12, फिर 32 में से 20 घटा देंगे 12, फिर 32 में से 24 घटा देंगे 8, 32 में से 24 घटा देंगे 8 हो जाएगा, ठीक है 24 8 32। अब एक बात बताओ 12 12 में से एक वो 12 बाहर, ये दोनों में से एक बाहर आ गया, 8 चौके 32 होता है 1 8 आ इसमें हो जाएगा 8 गुना 4 हो जाएगा ना, तो ई आठ में से 1 8 बाहर और 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 लीजिए, तो ये हो गया 92 96 96 दूना हो जाएगा 198, तो ये आपका कितना हो जाता है 96 दूना 192, ये हो जाता है एक त्रिभुज का एरिया। अब पूरा चतुर्भुज आपको चतुर्भुज का एरिया बताना है ए बी सी डी का, ठीक है ना, तो इसको डबल कर देंगे यानी 92 96 है ना, 96 गुना 2 है, इस पूरे को डबल कर देंगे यानी 96 गुना 4 करना होगा हमको, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 9 चौके 36 आ 2 38 38 384 कहाँ है ऑप्शन सी में है, हो गया। चलिए आ जाइए अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। याद रहे दोस्तों एक वृत्त का अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, वृत्त का क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल हैं 4:9 में। अब रेशियो सुन लो, त्रिज्या का पूछे डायमीटर यानी व्यास का पूछे या परिधि का पूछे तो सेम बात है, ठीक है ना, त्रिज्या व्यास और परिधि में हमेशा समान रेशियो होता है। अगर क्षेत्रफल दिया है तो केवल वर्गमूल बना लीजिए 4 का और 9 का क्षेत्रफल का वर्गमूल, ये 2:3, और ये अगर परिधि पूछा तब भी आंसर होगा, त्रिज्या पूछता तो भी आंसर होता, अगर व्यास पूछता तो भी यही आंसर होता, क्योंकि जो रेशियो त्रिज्या का वही रेशियो व्यास का भी होगा, ठीक है ना। मान लीजिए आप सिंपल सोचो कि दूगो वृत्त है, ठीक दूगो वृत्त है आ इनकी त्रिज्या मान लो कि 5:7 मैंने 7 में दे दिया, ये मान लीजिए इसका 5 सेंटीमीटर इसका 7 सेंटीमीटर, तब व्यास भी इसी में रहेगा, काहे जानते हैं काहे कि व्यास निकालेंगे इसको दुगना करेंगे तो 5 दुना 10 आ इसका व्यास निकालेंगे तो 7 दुना 14 त्रिज्या के दुगना व्यास होता है, आ फिर काटेंगे तो 5:7 ही होगा, बात है समझ में, तो जो रेशियो त्रिज्या का था वही रेशियो व्यास का भी होगा और वही रेशियो परिधि का भी होगा, क्योंकि 2πr तो 2π कट जाएगा खाली आर बचेगा। चलिए अगला, त्रिभुज एबीसी में डी और ई रेखाओं ए बी और ए सी और उनकी समांतर रेखा बी सी और डी पर स्थित 2 बिंदु हैं, यदि ए डी बराबर 1 सेंटीमीटर डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है। हम लोगों से क्या पूछा है जानते हैं, पूछा है कि त्रिभुज ए डी ई, ठीक ना, और एक और पूछा है कि त्रिभुज ए बी सी इसका क्षेत्रफल इसका अनुपात पूछा है। क्या कहता है, एक त्रिभुज है भाई ए बी सी, मान लो ए बी सी, अब क्या कहता है ए बी और ए सी उनकी समांतर रेखा ए बी ए सी उनकी समांतर रेखा बी सी और डी पर स्थित 2 बिंदु है, बी सी, अच्छा चलो एक काम करते हैं बी को यहां लिखते हैं ए बी सी। अब कहता है इसमें बी सी के समांतर बी सी और डी पर स्थित 2 बिंदु बी सी और डी पर डी ई पर स्थित 2 बिंदु यदि ए डी बराबर 1 सेंटीमीटर ए से डी तक है 1 सेंटीमीटर उसके बाद डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर डी से बी तक क्या है 3 सेंटीमीटर तब कहता है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात बता दो। देखिए ये ना एक समरूप त्रिभुज हो गया यानी
समरूप त्रिभुज कौन कौन हो गया जानते हैं? त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप है, समरूप है, एक ही रूप का है, समरूप है, ठीक ना। तो अब क्या होगा ना कि क्षेत्रफल का जब भी रेशियो आएगा तो इनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात में होगा, याद रखिएगा। अगर समरूप त्रिभुज है, अब देख न लो, जो कोण बड़े त्रिभुज के लिए वही कोण छोटे त्रिभुज के लिए भी लागू है यहाँ पर। तो एक समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि संगत भुजा, जैसे बाएं वाला बाएं वाला से आ जाइए, संगत भुजा छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज यहां से यहां तक, तो छोटा त्रिभुज का भुजा एक है तो एक का वर्ग करिए, और बड़ा त्रिभुज का भुजा एक आ तीन चार, चार का वर्ग करिए। बस एक का स्क्वायर कितना, एक और चार के स्क्वायर कितना, सोलह, यानी एक अनुपात सोलह में इसका क्षेत्रफल हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन डी में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में 23 सितंबर 2018 को पूछा गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।